मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का अभियान भी लगातार चल रहा है। मुंगेली में बीजेपी ने टिफिन पर चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। कार्यकर्ताओं से बातचीत की, आगामी चुनाव पर चर्चा हुई। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया, इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही हिंदू समाज के साथ अन्याय, अत्याचार और तुष्टिकरण की राजनीति करती है। जब पृष्ठभूमि देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही हिंदू समाज के साथ अन्याय अत्याचार किया है, तुष्टिकरण की राजनीति की है और ये धर्मांतरण के कानून को रद्द करना भी कांग्रेस की उसी मानसिकता का परिचायक है और ये राष्ट्रहित में उचित नहीं है। इधर जगतगुरु शंकराचार्य के प्राकट्य दिवस के मौके पर कांग्रेस विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों से आह्वान किया। इस आह्वान के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज हो चुकी है। बीजेपी ने कहा कि आखिरकार कांग्रेस को राम नाम और हिंदू राष्ट्र की बात करनी ही पड़े। अपन अपन जो जहाँ जिस गाँव जिस स्थान में वहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित होके हिंदू के लिए बात करें। हम हिंदू एक होन तभी हिंदू राष्ट्र बन सकते। और देखिए, अंततः भगवान राम के शरण में कांग्रेस को आना पड़ा। प्रभु हमारे आराध्य राम, फिर कौशल्या माता, हनुमान जी के शरण में पूरी कांग्रेस पार्टी आ चुकी है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी एक लंबे अरसे से प्रभु राम की सेवा में लगी हुई है। हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, संघ परिवार करता है। अब कांग्रेसियों को भी समझ में आ गया कि प्रभु राम और हिंदुत्व के सहारे ही अपनी नैया पार की जा सकती। कुछ अन्य खबरों की बात करेंगे। बात राजधानी रायपुर की, जहां पर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी का प्राकट्य उत्सव मनाया गया था। इस महोत्सव में 3 परिवार के लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की है। चंदन और अबीर का तिलक लगाकर सनातन धर्म अपनाया है। तीनों परिवार ने ईसाई धर्म अपनाया हुआ था और शंकराचार्य निश्चलानंद के मंच से नारे भी लगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नारे सुनाई दिए। ईसा और मूसा के पूर्वज भी वैदिक सनातनी है, शंकराचार्य की तरफ से कहा गया। अब खबर जगदलपुर से, जहां नगर निगम की सामान्य सभा की जोरदार बैठक हुई जिसमें हंगामा ही हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने एजेंडों और सवालों पर चर्चा नहीं किए जाने पर हंगामा किया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। ठेकेदार पूरा कमीशन मेयर इन काउंसिल को पहुंचा रहे हैं। 48 वार्डों में सफाई व्यवस्था चौपट पड़ी है, बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। प्रदेश में या पूरे बस्तर संभाग का मैं चूंकि अध्ययन किया हूं, जो बीटी रोड और सीसी रोड बन रहे हैं वो सारे जगह में 20% 22% 23% 33% तक बिलो रेट जा रहे हैं। मतलब 1 करोड़ रुपए का बीटी रोड बनना है तो 33% बिलो, मतलब 67% 67 लाख में बन रहे हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उनको फिर नाम उजागर करना चाहिए कि कौन कर रहा है, हमें भी तो जानकारी हो। हमारे हिसाब से जो ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, जो ठेकेदार ठीक से काम नहीं कर रहे, समय पर हमने उनको ब्लैक लिस्टेड भी कर रहे हैं और जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि अभी सामने जैसे कि मानसून है, अगर हमको नालियों का काम करना है तो जो व्यक्ति फास्ट काम कर रहा है तो निश्चित उसको काम मिलेगा। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।